कहाँ गायब है नेचुरल ब्यूटी प्राची देसाई? प्यार में बॉयफ्रेंड के लिए गई थी दूसरे देश, बदले में मिला धोखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्राची देसाई ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत लोकप्रिय टीवी शो कसम से की थी। शो में बानी के किरदार से वह घर घर में मशहूर हो गई। बाद में प्राची ने फिल्म रॉक ऑन से बॉलीवुड में कदम रखा। बीते सालों में प्राची ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, रॉक ऑन 2, अजहर, आई मी और मैं और बोल बच्चन जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन टैलेंट का भंडार होते हुए भी वह कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाई। आइए उनके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। जब से प्राची देसाई ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, तब से वह हमारे दिलों में बस गई हैं। एक्ट्रेस कई दिलों पर राज करती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वह खुशी से सिंगल हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि 35 वर्षीय प्राची अपनी निजी जिंदगी को सीक्रेट रखना पसंद करती हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में प्राची ने एक घटना का जिक्र किया था जब उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया था। फिल्मफेयर के साथ बातचीत में प्राची ने अपने पिछले रिश्ते की एक घटना सुनाई थी और खुलासा किया था कि कैसे वह एक आदमी के साथ प्यार में पागल थी, लेकिन अंत में उसने झूठ बोला था। एक्ट्रेस ने शेयर किया था कि जिस लड़के के साथ वह डेटिंग कर रही थी, उसने उन्हें बताया था कि वह एक अलग देश में है, इसलिए वह उसे सरप्राइज करने के लिए कई देशों में गई थी। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि उसने उनसे झूठ बोला था। प्राची ने बताया, मैंने किसी के लिए कई देशों में उड़ान भरी है। जब मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि वह एक स्पेशल देश में है। मैंने उस पर विश्वास किया और उसे सरप्राइज करने के लिए वहां गई, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझसे झूठ बोला था, वह वहां नहीं था। मैंने इसका पूरा फायदा उठाया और अकेले छुट्टियां मनाई। प्राची ने आगे बताया था कि उन्होंने उस समय का सामना कैसे किया और खुलासा किया कि वह एक ऐसी लड़की है जो किसी को अनदेखा करके उसे पागल कर सकती है। प्राची ने बताया कि उन्होंने उस लड़के के साथ चुपचाप रहना शुरू किया और उसे यह बताकर कोई तमाशा नहीं खड़ा किया कि वह सरप्राइज करने दूसरे देश गई थी। टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में प्राची देसाई ने अपनी शादी पर खुलकर बात की थी और कहा था कि वह अपने जीवन में किस तरह का जीवन साथी चाहती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने शादी के प्लान को खत्म कर दिया है और कहा कि अगर उन्हें कोई खास मिलेगा तो उन्हें शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। प्राची ने कहा, आप जानते हैं मैं पर्दे पर इतनी बार शादी कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैंने यह सब कर लिया है। जब मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि उनके माता पिता इस बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसा कभी नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरे लिए जो भी लड़का हो बेहतर होगा कि वह तैयार रहे कि मैं अपनी शर्तों पर जीती हूँ और मुझे अपनी आज़ादी इतनी पसंद है कि क्या बोलूँ।